नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 से 12 पर, या आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। लगभग 12:30 का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर, और अगले 1 घंटे के लिए हम आपके लिए लाए हैं खास कार्यक्रम वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन सीरीज मीट द ऑथर। ये खास सीरीज है हमारी जो कौशल विकास और उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर, यानी सेक्टर्स पर और जॉब रोल पर बात करती हैं। लाइव सेशंस ऑन स्किल डेवलपमेंट दैट आर ब्रॉट टू यू बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन दैट इज PSSCIVE, NCERT, भोपाल, मध्य प्रदेश। और इन सेशंस की शुरुआत हुई थी 22 फरवरी को, और आप इन्हें देख सकते हैं। यदि आपने हमारा पुराना कोई भी सेशन ना देखा हो किसी भी कारण से, तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे NCERT ऑफिशियल यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं इन कार्यक्रमों की रूपरेखा की, यानी आपको एक लाइव टेलीकास्ट शेड्यूल बता देते हैं इस वीक का। सबसे पहले हमने बात की थी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर पर, और हमारा जो जॉब रोल हमने डिस्कस किया था वो था असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। उसके बाद हमारी चर्चा का विषय था प्राइवेट सिक्योरिटी, एंड द जॉब रोल दैट वी वर डिस्कसिंग वॉज अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। और आज हमारा सेक्टर जो है वो पावर है, और कक्षा 9वीं के लिए ये पूरा सत्र है। यदि किसी और कक्षा के बच्चे भी हमें देख रहे हैं तो ये सत्र बहुत ही उपयोगी साबित होगा आप सबके लिए। आप बने रहिए एनसीईआरटी के साथ। तो इसके अंतर्गत आज जो जॉब रोल हम डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन। वैसे सुनने में तो थोड़ा टेक्निकल है, तो इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हैं। चलिए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इस सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ प्रकाश। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस लाइव सेशन में। सर इज प्रोफेसर एंड हेड एट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी PSS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, हैज जॉइंड इन फ्रॉम भोपाल। और दर्शकों, लगभग अगले 1 घंटे तक यदि आपका कोई भी सवाल हो तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है आपकी स्क्रीन पर। आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर। इसके अतिरिक्त इफ एनी ऑफ योर क्वेरीज रिमेन अनआंसर्ड, सो हियर इज आवर मेल आईडी। तो हमारी मेल आईडी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा dth.class9@cieet.nic.in। तो चलिए आगाज करते हैं आज के अपने इस सत्र का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन। तो डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आज का जो हमारा जॉब रोल है, आसान भाषा में उसके माने आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। धन्यवाद सिमरन जी। जैसा कि आपने बताया कि वोकेशनल कोर्सेस हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, तो पावर सेक्टर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। पावर, जैसे आपको मालूम है, हर घर में बिजली की रिक्वायरमेंट हो गई है। अगर बिजली नहीं रहेगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप हैंडीकैप हो जाएंगे। तो पावर सेक्टर में नए नए तरह के टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, नए नए वर्कर्स की जरूरत होती है। उसको ध्यान में रखते हुए ये कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियंस बनाए गए हैं। इस नाम का एक जॉब रोल है, और इससे इसका उद्देश्य यह है कि इस पाठ्यक्रम को या वोकेशनल कोर्स को करने के बाद इसको पावर सेक्टर के क्षेत्र में विभिन्न तरह की नौकरियां मिल सकती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल इसमें नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, कंज्यूमर एनर्जी मीटर के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं, और इस तरह से काफी चेंजेस आ रहे हैं, रिमोट मीटर्स आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम है, इसकी सहायता से बच्चे जो है आगे बढ़ सकते हैं और इनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने ये एक पाठ्यक्रम विकसित किया, उसके साथ साथ एक किताब बनाई। उस किताब को जो है हमारे पावर सेक्टर ने इसको अप्रूव किया हुआ है, और उसकी क्वालिफिकेशन है जो है ये पावर सेक्टर स्किल Q01 07। इस किताब को आप देख सकते हैं, जो कि NCERT में अवेलेबल भी है, और इसमें पूरी पाठ्यक्रम के बारे में जो किताब में पूरी सभी सूचनाएं दी गई हैं, जिससे बच्चे आसानी से इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो हम सबसे पहले बताते हैं कि आप कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन कोर्स जो क्लास 9 में आप पढ़ने जाएंगे, तो उसको हम लोगों ने 4 सेशन यूनिट में डाला हुआ है। 4 यूनिट का यह बेसिक हमें कोशिश करनी कि बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर का बहुत ही बड़ा स्ट्रांग कंपोनेंट है। उसको 4 सेशन में डाला गया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉन्सेप्ट, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, फिर बेसिक यूनिट्स क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी से आप क्या समझते हैं,
और साथ ही साथ उसकी सेफ्टी के लिए जो है हार्डिंग सिस्टम की बात की गई है। उसी तरह जो दूसरी यूनिट है हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट की बात कही गई कि जो भी टूल्स इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जो केबल लाइन करते हैं, उसमें कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ थर्ड यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंपोनेंट एंड एसेसरीज है, जिसपे कि हम वायरिंग मटेरियल, कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप के स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो यूनिट चार है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी मीटर, क्योंकि एनर्जी मीटर के ही ऊपर पूरा एक कोर्स है, पाठ्यक्रम है, तो कितने तरह के मीटर्स होते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे रीडिंग लेते हैं, ये सभी चीज़ों जो है इस कंटेंट में हम लोगों ने डाली हुई है। तब हम बात करेंगे इस किताब की रचना के पहले यूनिट पे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है इसमें विद्युत के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं कि आज हमारे घर में, हमारे घर के बाहर बिना बिजली के कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे वो आपका कार हो या ड्रिल मशीन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, लाइट्स है, फ्लोजन है, लैंप है, और इतने से आप हीटर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। इसको इसमें बताने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और इसको हमें अपने प्रयोग के लिए कैसे यूज करना है, ऊर्जा के लिए कैसे यूज करना है, ये बताया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डे टू डे लाइफ में कैसे आगे बढ़ रही है, क्या बेसिक, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे इस पे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं कि एक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा चलती है, और जो भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से बनते हैं, और इसको हम जो इसके न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो है बॉन्डेड बाई निगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो उत्पत्ति होती है तब इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, उसी तरह दूसरे चार्जेस होते हैं जो रिपेल करते हैं अपोजिट और दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे देश में लाइटिंग है, हीटिंग है, पंप है, हर क्षेत्र में, अगर आप कल्पना कीजिए अगर आपके घर में एक मिनट के लिए बिजली चली जाती है तो आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, आप इन्वर्टर ढूंढने लगते हैं, आप बैटरी ढूंढने लगते हैं, आप बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हर जगह प्रयोग हो रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक पावर स्टेशन होता है। पावर स्टेशन का काम क्या है, जो बिजली है वो हमारे पास पहुंचाता है, और इसकी सहायता से हम हर तरह के काम करते हैं, चाहे पानी कुएं से उठाना है, या पानी की सप्लाई करनी है, और चाहे हमारे घर में एसी लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल आयरन लगा हुआ है, टेलीविजन लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, इंडक्शन कुकर है, हर तरह का कार्य आप इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से करते हैं। तो इस तरह से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसको देखिए कि कैसे जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। और जो बेसिक प्रिंसिपल जो था बिजली का उत्पत्ति जो है फराडेस लॉ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सहायता से, आप एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रयोग करके मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी जनरेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है और वो हमारे घर में आती है। तो फराडे ने कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया जो डीसी जनरेटर सेट पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो एक कंडक्टर के क्रॉस जाता है, जब इसे एक्सपोज किया जाता है तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फराडेस का लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, आपने देखा होगा आपके बैटरीज है उससे भी पावर जनरेट होती है, तो जो सेल है ये भी पावर को जनरेट करती है, ये केमिकल रिएक्शन से डेवलप करती है, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी कहते हैं। उसी तरह
आपने देखा कि सोलर आजकल पूरी ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हर जगह सोलर लाइट्स आ रही है, इवन पार्क में, सड़क पे, और सोलर सेल्स की सहायता से भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। तो सोलर बड़े बड़े आजकल सोलर फार्म्स आ गए, आपने सुना होगा कि हमारे हर बिल्डिंग में सोलर लाइट आ रही है और सोलर पावर प्रोडक्शन यूनिट लग रही है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसमें इन्होंने कंपलसरी कर लिया है कि हमें सोलर रिलेटेड पावर सेक्टर खोलना है, हमें सोलर पावर यूनिट बनानी है, जिससे कि हमें पॉल्यूशन नहीं होगा, साथ ही साथ हमें पैसे भी बचेंगे। एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन जो हमें डिपेंडेंसी इसी पे हो जाएगी। उसी तरह जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े दूर से पावर स्टेशन से जो बिजली जो है कोयले की मायदा से या आपके फर्नेस से जो है हीट जनरेट होती है, उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी के यूज में यूज करते हैं। तो आपने थर्मल पावर प्लांट का भी नाम सुना होगा। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की पहले यूनिट में कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब इसके बाद सेशन टू में हम ये कोशिश कर रहे हैं बताने की इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक कह सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्म है जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन इसके इफेक्ट्स हम जरूर फील करते हैं। आपने रात देखा होगा कि बिजली चमकती है, तो बस यही एक सिग्नल देता है कि कुछ हो रहा है। तो उसको जो आप टच करेंगे, फील करेंगे, तब आपको करंट भी लग सकता है, इसलिए इसमें सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें पहला है हीटिंग इफेक्ट। जब भी इसको हीट जो है प्रोड्यूस की जाती है, जैसे निक्रोन है, जब भी करंट किसी भी चीज से पास करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है कि बिजली चलने लगती है। जैसे आपने अपने घर में ही हॉट एयर हीटर रखा हुआ है या ब्लोवर रखा हुआ है, तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कन्वर्ट करती है। उसी तरह जब इलेक्ट्रोलाइट से हम बिजली पास होती, करंट पास होता है, तो उसमें केमिकल इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट। उसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जब कंडक्टर के थ्रू हम जब करंट पास करते हैं, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो इसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसी तरह फिजिकल इफेक्ट, जब हमारे शरीर से या बच्चे जब बिजली छूती है, जाती है, तो हमारे शरीर के जो नर्व्स हैं वो कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, वो जिससे कि हमें बेहोश भी हो सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बिजली का कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनना चाहिए और नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, अगर आपके टच में आएंगे तो आपको डैमेज होने का खतरा है। तो इस तरह से आप देखें कि इलेक्ट्रिक करंट के काफी इफेक्ट्स हैं, उसकी सहायता से हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज कर सकते हैं और ये आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इसमें कुछ जो टर्म्स हैं उसके बारे में चर्चा कर भी डाला है, जैसे वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, तो ये बताता है कि इनका क्या यूज है। तो वोल्टेज के बारे में जैसे बता रहे हैं, इससे बताते हैं कि जो भी प्रेशर होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, उसको हम एक सर्किट में उसको वोल्टेज कहते हैं। और बहुत इसलिए कहते हैं कि हमारे जो लाइट्स आ रही है हमारे घर में 220 वोल्ट्स आ रही है, इससे आपको पता लगता है कि पावर सप्लाई सही आ रहेगी नहीं। उसी तरह करंट एक टर्म होती है, करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अगर इलेक्ट्रॉन के वायर के थ्रू से चलता है, फ्लो कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें करंट बह रहा है। इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, एम्पियर के नाम से जानते हैं, और वोल्टेज के लिए जैसे बताया ये वोल्ट के हिसाब से करते हैं। उसी तरह रेजिडेंस, रेजिस्टेंस, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल की, कंडक्टर की, जो बताती है कि फ्लो ऑफ चार्ज को कैसे हो रहा है। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट को जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो जनरली इसकी यूनिट है ओम। तो एक वोल्ट प्रति एम्पियर के हिसाब से जो यूनिट डेवलप होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की सहायता से बता सकते हैं कि वायर की क्वालिटी क्या है। उसी तरह कैपेसिटेंस है, ये बताते हैं कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, और ये भी
इसको भी जो एक्सप्रेस करते हैं स्टोर्ड चार्ज इन कोलंबस टू द इम्प्रेस पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, ये फराडे ने इसका यूनिट बनाया था, इसलिए इसका नाम फैराड बताया गया। तो कैपेसिटेंस जो है बताता है कि कैपेबिलिटी क्या है आप एक इकाई की जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। उसी तरह इंडक्टेंस भी एक टर्म है, आप जब भी हम मैग्नेट फील्ड को जब हम चेंज करते हैं क्वाइल के थ्रू तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें डेवलप होता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल जो है ये चेंज होती रहती है, तो इसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। और इसका भी प्रयोग जो है आप देख सकते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तो इंडक्टेंस की सहायता से करता है। इसी तरह आपने सुना होगा कि कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग लाइन बन रही है उसमें सीरीज सर्किट होती है और पैरेलल होती है, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं कि एक चेन के रूप में ले लेते हैं उसे, उससे क्या होता है कि जो बिजली हमारी जो कैरी करती है चलती है तो वो सब में यूनिफॉर्म रूप से जाती है, तो उसे इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। और इसको हम सीरीज सर्किट के रूप में यूज करते हैं, इसकी सहायता से पता लग जाता है कि ये पैरेलल सर्किट है या सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट जो सिंपल होती है इसमें आप चेक कर सकते हैं कि बिजली आ रही कि नहीं आ रही। उसी तरह पैरेलल सर्किट जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को इस तरह से लगाया जाता है कि सबका एक अलग रास्ता हो, सेपरेट पाथ हो, जिससे कि टोटल के और आसानी से वो टोटल करंट को ले जाए, ये कहा जाता है कि इसे हम पैरेलल एंड सर्किट कहते हैं। इसी तरह जो आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ओम्स लॉ के बारे में बताया गया है जो कि बेसिक है। ओम्स लॉ सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में जब भी कोई फिजिकल कंडीशन होती है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये इसका बेसिक रूल है। और इस कह सकते हैं कि ओम लॉ की सहायता से आपको पता लग जाता है कि कितनी विद्युत आ रही है, कितना रेजिस्टेंस है, और इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करते हैं। उसी तरह किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये कहता है कि टोटल करंट और चार्ज जो है जब भी जंक्शन में एंट्री करती है उतनी ही इक्वल होना चाहिए, तो कोई भी चार्ज इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ये किरचॉफ्स का करंट लॉ है, इसकी सहायता से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के लॉस जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है इसमें चर्चा की गई है। उसी तरह ये बताया गया है कि इसमें आप इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी को कैसे मतलब एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पावर जो है, पावर टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पर एक यूनिट टाइम में कितनी बिजली आ रही है तो उसे हम पावर कहते हैं। जब ये भी बताते हैं कि जब जिस रेट पे बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो हम कह सकते हैं ये 1000 वाट या 1 किलो वाट के बराबर है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आप कह सकते हैं कि जी, यह हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। इस सत्र में हमारे पास आधे घंटे का समय अब भी है, यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक हमें लिख भेजिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल के कमेंट बॉक्स में। जी सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटी फॉर डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, इससे पता लगता है कि जैसे हमारा बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब जलने में कितनी एनर्जी लगेगी, जैसे उसमें वाट आवर लिखा रहता है, तो आप जैसे 60 वाट का बल्ब होता है या आजकल एलईडी लाइट्स आ गई हैं जो कि बहुत कम उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो 30 वाट पे भी लग जाती हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं और इसको वाट आवर के रूप में बताते हैं। इस तरह से एक घंटे में जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वाट आवर कहते हैं और इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये बेसिक यूनिट्स है। इसी तरह इसमें सिंबल्स के बारे में बात की है कि कितने तरह के सिंबल्स होते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं बाजार में या कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इससे आपको क्लियरिटी हो जाती है कि सेल का सिंबल क्या है, लैंप का क्या है, स्विच का क्या है, और वोल्ट मीटर, एमीटर, रजिस्टर, ट्रांसफार्मर, बैटरी,
एसी सप्लाई बिजली आ रही है, एमीटर लगाया है तो, और गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, हीटिंग एलिमेंट्स, इस तरह से काफी चीजें जो है आपको सिंबल की सहायता से आप पढ़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आप पता लग जाएगा कि ये एमीटर है कि बैटरी है कि वोल्ट मीटर है। तो इस तरह से सब चीजें बताई गई है। अब हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि वोल्ट मीटर के बारे में बता रहे हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है, जो भी करेक्ट रहता है डिवाइसेस में पैरेलल में, और ये मेजर करता है, और इसके थ्रू जो है बहुत हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिससे कि कोई भी हैवी इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है इसमें से पास ना हो। और एमीटर जो होता है सीरीज में लगाया जाता है, और इसमें जो है लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि बिजली जो जा रही है उसमें कुछ ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। और एमीटर वोल्ट मीटर का प्रयोग हम विद्युत को नापने में करते हैं, और इसकी आसानी से हम बता सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रही है। उसी तरह हमने अर्थिंग सिस्टम के बारे में बात किया है कि ये बहुत ही जरूरी है बिजली के लिए और ये सेफ्टी पर्पस के लिए। ये बताती है कि जब भी कोई हमारे सिस्टम में हाई इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्ट जनरेट हो जाती है तो सीधे हमें जमीन में जाना चाहिए। जमीन में जाने के लिए हमें एक अर्थिंग सिस्टम का डेवलपमेंट करना पड़ता है, और जिससे कि शॉक ना लगे, डैमेज जो है जो भी इक्विपमेंट है वो खराब ना हो। सो इसकी अर्थिंग की जरूरत रहती है कि ये जो है जमीन से नीचे होना चाहिए, और डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग होना चाहिए, और इसमें इसे बताया गया इलेक्ट्रोड का साइज क्या होना चाहिए, और इसमें रेजिस्टेंस ऑफ वाट्स कितना होना चाहिए। ये सब चीजें चेक करने के बाद ही हम अर्थिंग सिस्टम को लगाते हैं। अर्थिंग सिस्टम जो होती है कई तरह की होती है, उसमें डिफरेंट तरह के स्ट्रिप्स लगते हैं। एक होता है स्ट्रिप अर्थिंग होती है, एक रॉड अर्थिंग होती है, एक पाइप अर्थिंग होती है। स्ट्रिप अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं या आयरन की गैल्वनाइज आयरन स्ट्रिप लगाते हैं, और जो कि हॉरिजॉन्टली जो है आप गड्ढे में ले जाते हैं और उसको चारकोल और सीमेंट से नमक से भर देते हैं। उसी तरह रॉड अर्थिंग क्या होता है कि इसमें एक कॉपर का वायर जाता है और इसमें आयरन फिटेड रहते हैं और जिसको भी हम यूज करते हैं। पाइप अर्थिंग सबसे चीपर होता है इसलिए ज्यादा यूज करते हैं, और इसमें एक हॉलो पाइप रहता है और इसमें GI डाल देते हैं जिससे कि वो जमीन के भीतर इसको इंसर्ट कर देते हैं, और चारकोल और सॉल्ट की सहायता से के गड्ढे में डालते हैं जिससे कि अर्थिंग का काम आसान हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे वातावरण में बिजली चमकती है, रोशनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि बिजली जो है डेवलप हो रही है। क्यों हो रही है कि रेन में ये क्लाउड होता है, बादल जो है और अर्थ में जब मिलते हैं तो ये इस तरह का विजिबल डिस्चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक आर्क के रूप में देखा जाता है जिसको हम चमक कहते हैं, कड़क कहते हैं, क्लाउड और अर्थ सरफेस पे। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिजली चमकी बहुत जोर से, इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप बिजली चमकी है तो आप पेड़ के नीचे ना खड़े रहें, आप दूसरी जगह रहें, सेफ्टी रहे। तो ये एटमॉस्फेरिक लाइटिंग कहते हैं इसको। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं और जो है डेंसिटी कैसे बढ़ रही है। उसी तरह उसको चेक करने के लिए हर घरों में लाइटनिंग एरिस्टर लगाए गए, मतलब जो भी बिजली को जो के प्रभाव को जो चमक आ रही है, बिजली गिर रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे हर घरों में एरिस्टर लगना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो भी वोल्टेज, हाई लाइटिंग वोल्टेज जो क्रिएट होता है वो कंट्रोल हो जाए। और इससे क्या होगा, हमारे जो एपरेटस लगे हुए हमारे घरों में, फ्रिज है, एसी मशीनें हैं, वो डैमेज ना हो। इससे क्या होता है, जो रेजिस्टर की सहायता से वो उसको लो रेजिस्टेंस पाथ जमीन तक दे देता है, जो भी करंट आ रही है या बादल चमक रहा है, तो इस तरह से ये आसान हो जाता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं अर्थिंग में। तो आप कह सकते हैं कि प्रिवेंट करता है जो भी हमारे एपरेटस है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, जब भी वोल्टेज हाई होगा उसको ये चेक करेगा। इसी तरह अब हमने आगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरी यूनिट जो है हमारी, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल और इक्विपमेंट की बात करें। क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपने खुद भी देखा होगा अपने जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं उनके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर होता है, एक उसमें रिंच होता है, टेप लगा रहता है उनके पास, उसके कटर्स होते लगे होते हैं, एक एमीटर रहता है, इस तरह से काफी टूल्स वो लेके चलते हैं साथ में। वो चेक करते हैं कि पावर आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसके लिए उनके पास एक डिफरेंट टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिसमें लाइट जलती है, जिसकी सहायता से बता सकते हैं कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टेस्टर्स बनाए गए हैं, मल्टीपल कंप्रेशर टेस्टर भी है। तो हम इस पे बात करेंगे कि कितने तरह के टूल्स हो सकते हैं। तो आप देखिए कि स्क्रू ड्राइवर है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो भी स्क्रूज होती है उसको आप खोलने के लिए, बंद करने के लिए, और डिफरेंट तरह के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। उसी तरह रैचेट होते हैं, रैचेट एक डायरेक्शन में घुमाते हैं, स्पैनर होते हैं जिसकी सहायता से आप नट बोल्ट खोल सकते हैं। उसी तरह रेंच होते हैं, वायर कटर और प्लायर होता है। वायर कटर का यूज जनरली हम जो भी वायर है, वायर ऊपर से कवर्ड है उसको आपको पतला करना है, स्ट्रिप करना है, आपस में जोड़ना है, तो हम वायर कटर प्लायर्स का यूज करते हैं और रेंच का भी यूज करते हैं। उसी तरह टेस्टर होता है, जो मैं आपसे बता रहा था कि टेस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, हर घर में होना चाहिए, और इसको हम चेक करके उसकी सहायता से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आ रही है कि नहीं, कितना वोल्टेज है पूरे इक्विपमेंट में, करंट आ रही है कि नहीं, तो ये पता लग जाता है। उसी तरह एक हैमर होता है जिसकी सहायता से हम नेल्स और मटेरियल डालते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और सेफ्टी के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान रखना है, तो इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हैं बिजली का, या तो हमें एक लैडर का प्रयोग जरूर करना चाहिए, नहीं कि आप स्टूल पे खड़े हो जाएं और थोड़ा सा डिसबैलेंस हो तो आप गिर जाएंगे। इसका हमें ख्याल रखना है कि छोटा सा एक लैडर जो 6 से 7 फीट की हाइट में हम काम कर सकते हैं। उसी तरह एक यूटिलिटी नाइफ है जिससे कि हम कई तरह के काम कर सकते हैं और आप कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग आयरन के बारे में बताया गया है, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग स्टेशन के बारे में चर्चा की गई है। इनकी सहायता से जो भी आपको तारों को जोड़ना है या अलग करना है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह क्रिम्पिंग टूल्स है, जब ये वायर्स को हमें काटना है या टेप लगाना है उसके क्रिम्पिंग टूल्स है, और ज्वाइनिंग करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। अब वोल्ट मीटर जैसे मैंने पहले ही बताया, जब हमें मेजर करना है कि दो पॉइंट के बीच में कितना करंट आ रहा है, कितना डिफरेंस है वोल्टेज का, तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। उसी तरह एमीटर की बात कही गई थी, वाट मीटर की बात कही गई, उसी तरह मेगर का प्रयोग हम करते हैं, अगर लीकेज आ रही है वायर में तो इसकी सहायता से हम पता लग सकते हैं। मल्टीमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, मल्टीमीटर की सहायता से आप वोल्टेज, करंट, पावर सभी यूज कर सकते हैं और पता लग जाता है कि हमें सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से जो है आप टूल्स के बारे में पता लग जाता है। अब आप देखते हैं कि जो इसके बाद हम केबल जो होती है उसको हम जब बिछाते हैं या केबल जो है अपने बिल्डिंग्स में ले जाते हैं या किस मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और इक्विपमेंट लगते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो केबल ड्रम है, केबल ड्रम क्या 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 प्रयोग है, केबल ड्रम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे वायर्स होते हैं अच्छे ढंग से जो है वो बने रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इसको इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वायर जो है आपस में जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसमें जो है तो इसको टूट भी सकते हैं। इसलिए जरूरी कि हमें केबल ड्रम का प्रयोग करना चाहिए जब हम ज्यादा कैपेसिटी का वायर यूज करते हैं। उसी तरह इसको यूज करते समय हमें देखना यह है कि इसको फील्ड में अच्छे इक्विपमेंट का यूज करें, पुलिंग में जो भी कर रहे हैं, और इसको एक जैक पे इसको केबल ड्रम को रखना चाहिए और धीरे धीरे जो केबल को से निकालना चाहिए जिससे कि उसमें ट्विस्ट और किंग्स ना हो। उसी तरह आप देखा होगा कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन आते हैं उनके पास एक टूल बॉक्स होता है, उस टूल बॉक्स में सभी तरह की चीजें होती हैं और जिससे कि वो आसानी से अपने हाथ की सहायता से कर सकते हैं और अपने साथ धीरे धीरे ले जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टूल्स है, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है
जो भी मेजरमेंट करना है तो इसकी सहायता से आप आसानी से सेफ्टी से कर सकते हैं। उसी तरह जब आप पाइपलाइन में काम करते हैं तो प्लायर्स का यूज करते हैं, प्लायर की सहायता से आप फिटिंग कर सकते हैं, जो भी इंसुलेशन हटाना है, ज्वाइनिंग करना है। उसी तरह एडजस्टेबल रिंच है, इसका ही प्रयोग करके नट और बोल्ट को खोल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है बताई गई हैं इसमें हमारे कंज्यूमर एनर्जी मीटर में। और देखिए पाइप रिंच भी आ गया, इसकी सहायता से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मेजरिंग टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा हेल्प टूल्स है, इसमें कह सकते हैं कि जो वायर्स का मेजरमेंट करना है, कितने स्पेस पर लगानी है, तो ये मेजरिंग टेप का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि पहले ही बताया, रैचेट है, हैमर है, इन ड्रिल बिट्स है, इसका प्रयोग हमें करते रहना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कैसे इसको हैंडल करना है। उसी तरह इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है, आपने देखा होगा कि आज बहुत ही स्मॉल कैपेसिटी से लेकर बड़ी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आई है, जिसकी सहायता से आप आसानी से कहीं पर भी होल कर सकते हैं। मतलब आसानी से आप इसमें कुछ मटेरियल डालना है, वायर डालना है, पाइप डालना है, तो आप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह चेन पुली होती है, जिसकी सहायता से आप कोई भी सामान आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। ट्राईपॉड का ये प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा सामान आसानी से फिट हो सके। इसी तरह कई तरह की फॉल्ट इंडिकेटर्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, इसकी सहायता से पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है। जब इसको लगाएंगे तो इंडिकेटर्स लाइट्स जलती है, इससे पता लग जाएगा कि आपका काम कहाँ पे गड़बड़ी है। इसकी सहायता से आपको पूरा सिस्टम खोलना नहीं पड़ेगा, पर्टिकुलर स्पॉट पे ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये जरूरी है कि जब बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि इंडिकेटर का क्या यूज है और इसको आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंपोनेंट्स एक्सेसरीज के बारे में बताया गया है कि जो भी बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो बहुत तरह के कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर से कंडक्टर है, जिसकी सहायता से वोल्टेज और को रिड्यूस कर सकते हैं और करंट फ्लो जो है कम हो सकता है। तो इस तरह से आपको इनके पार्ट्स की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। तो वायरिंग मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो मटेरियल है वो कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी, सिल्वर का है। तो जनरली सिल्वर जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, तो मोस्टली कॉपर और एल्युमिनियम जो है वायरिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है। जो भी मटेरियल होता है उसमें तीन तरह के होते हैं, जनरली कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग और सेमी कंडक्टर मटेरियल। आप कह सकते हैं कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप के वायर मालूम हो तो कॉपर जो है आपने देखा है कि कॉपर में आसानी से जो है आपकी बिजली जा रही है और ज्यादा यूज करते हैं और इसमें रेजिस्टेंस भी कम होता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं, डायमीटर साइज होता है, ये गोए इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। उसी तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है लाइट वेट होता है और चीपर होता है, सस्ता होता है। तो जनरली ज़्यादातर लोग इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ करते हैं और ये जनरली चांदी के कलर का होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि वायरिंग एक्सेसरीज जो है बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा अपने घर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस लगे हुए हैं और उसमें जो है आप देखेंगे कि ऑन और ऑफ करने की प्रोविजन है। तो ये वायरिंग एक्सेसरीज की सहायता से आप काफी आपको आइडिया लग जाएगा जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो भी आप घर में आपने देखा होगा। और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस के बारे में बताया गया है। एमसीबी तो आपने सुना ही होगा कि जो भी बिजली का काम होता है वहाँ स्विचेस लगाए जाते हैं कि जिसमें कोई भी फॉल्ट होती है तो ये सर्किट ब्रेक हो जाती है और इसकी सहायता से आपका सिस्टम जो है प्रोटेक्ट हो जाता है।
जी सर, उसी बहुत ही तरह ज़रूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी जानकारी हम उन्हें और देना चाहते हैं। यदि आप हम तक अपने कोई भी सवाल पहुंचाना चाहते हो तो हमें लिख भेजिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल के कमेंट बॉक्स में। एनसीईआरटी ऑफिशियल है हमारा यूट्यूब चैनल। इसके अतिरिक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 8800440559। और क्योंकि कक्षा 9वीं के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम है, यानी एक खास सत्र है, तो आप अपने सवाल और अपने सुझाव हमें लिख कर भेज सकते हैं इस मेल आई के जरिए dth.class9@cit.nic.in। तो आज हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जुड़े हैं और वो हमें बता रहे हैं कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन जॉब रोल के बारे में। जी सर, थैंक यू मैडम। अब इसमें देखिए, कंड्यूट वायरिंग जो होती है, इसमें जैसे जो वायर्स जाते हैं उसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडूट जो है वो मेटल के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, फाइबर के भी होते हैं, और इसकी सहायता से हम इनकी लाइफ बचा सकते हैं। और इसी तरह ICTP स्विच जो है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल होते हैं, उसके स्विचेस जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं एनर्जी मीटर में, जिससे कि ऑटोमेटिक सप्लाई को चेक कर सकते हैं। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, ये सभी चीजें जो है आज कंज्यूमर मीटर टेक्नीशियन को मालूम होनी चाहिए। उसकी सहायता से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एनर्जी मीटर की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी मीटर आपने देखा होगा हर घर घर में है, तो ये आप कह सकते हैं कि एनर्जी मीटर के प्रयोग से हम देखते हैं कि कितना आपने इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हुआ हमारे घर में, कितनी बिजली हमारे घर में आई और कितना हमने खर्चा किया। और इसको हम एक यूनिट के टर्म पे मेजर करते हैं, क्या हो रहा है कि हमारे पास बिजली तो आ रही है, और बिजली जब आती है तो हमें उसका मेजरमेंट भी होना चाहिए। मेजरमेंट करने के लिए हमें एक एनर्जी मीटर को प्रयोग करते हैं, और एनर्जी मीटर एक कंपल्सरी आइटम है, नहीं तो क्या होगा कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे, मिसयूज करने लगेंगे। अपने घर में एनर्जी मीटर को लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लेते हैं और पैसे बचाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हर घर में आज स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं, प्रीपेड मीटर आ गए हैं, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। तो ये बताया गया है कि कैसे एनर्जी मीटर को आपको प्रॉपरली पहचानना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। उसी तरह एनर्जी मीटर आजकल एक स्मार्ट के रूप में आ गई है, और जिससे कि आप इंडिकेट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही बन जाता है, रिकॉर्डिंग कंजम्पशन, और डायरेक्ट वो लिंक से जुड़ा रहता है, जिससे कि आपका इंस्टेंट पावर कितना कंजम्पशन हुआ और पावर का बिल भी आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर शहर में हर जगह बिजली मीटर का पावर कंजम्पशन रेट पर यूनिट 6 रुपए, कहीं 8 रुपए, कहीं 10 रुपए। तो जितना जी सर, आप इतनी देर से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर, नो इश्यूज। जी, अपने दर्शकों को हम यहाँ पर एक रूपरेखा समझा देते हैं इस लाइव टेलीकास्ट शेड्यूल की, यानी इस पूरे हफ्ते में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। 22 फरवरी को हमने चर्चा की थी ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में, और उस वीडियो के लिंक जो हैं वो अवेलेबल हैं NCERT की वेबसाइट पर भी। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उन लिंक्स को देख सकते हैं। यदि आपके कोई भी सुझाव हो, आपको कोई भी सवाल आपके जहन में आता हो उन वीडियोस को देखकर, तो बिल्कुल हमें लिखकर भेजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि अपने अलग अलग सत्रों में आपके सभी सवालों को शामिल करें। फिर हमने चर्चा की थी प्राइवेट सिक्योरिटी पर, कक्षा 10वीं के लिए वो सत्र था और हमारा जो जॉब रोल था वो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड था। और आज हम बातचीत कर रहे हैं पावर सेक्टर के बारे में। पावर के अंतर्गत हम समझ रहे हैं कि एक कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन जो है उसके क्या रोल्स हो सकते हैं, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। और 28 फरवरी को हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत से अवसर हैं हमारे युवाओं के लिए, यानी ऑटोमोटिव सेक्टर। वे सत्र तो रहेगा कक्षा 11वीं के लिए। यदि कोई और बच्चे भी उन्हें देखना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स देखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस जॉब रोल की हम चर्चा करेंगे वो है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। जी सर, अब मैं डॉक्टर सौरभ से अनुरोध करूंगी कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि
विभिन्न तरह के मीट द ऑथर प्रोग्राम में नए नए सेक्टर्स के बारे में हमें पता लगता है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कंज्यूमर एनर्जी मीटर में। तो कंज्यूमर एनर्जी मीटर में का जो टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम है उसमें एनर्जी मीटर के ऊपर ज्यादा हम लोगों ने फोकस किया है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि एनर्जी मीटर के सही उपयोग से आज कितना आसान हो गया है कि हमारे घर घर में जो लाइनमैन आता है, कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन आता है, एक मशीन लेके आता है, रीडिंग लेता है और तुरंत बिल निकाल के हमें दे देता है। उससे टाइम भी बचता है और एक सेंट्रल रिकॉर्डिंग सिस्टम भी डेवलप हो गया है, वो उससे लिंक है। तो ये एक डिवाइस है जिसका सही उपयोग करते हैं तो आपका जो काम करने का तरीका है बहुत आसान हो जाता है। तो उसी तरह स्मार्ट एनर्जी मीटर आ गए हमारे पास। स्मार्ट एनर्जी मीटर के बारे में चर्चा की है, जो कि इसको हम कह सकते हैं एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि इंटेलिजेंट मीटर के रूप में जानते हैं, जो कि रीडिंग रीड करता है, उसके प्रोसेस करता है और कस्टमर को फीडबैक देता है। ये बता देता है कि कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, जो कि रिमोटली स्विचेस जो भी आपके घर से बिजली आ रही है उसका कितना आपने यूज किया, और रिमोट कंट्रोल की सहायता से आपको पूरे घर की बिजली का कंजम्पशन बता देता है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज स्मार्ट एनर्जी मीटर्स आ गए हैं, जिसकी सहायता से आप मिसयूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपके तुरंत चेक हो जाएगी और इसकी सहायता से कस्टमर को भी बहुत आराम रहता है कि तुरंत पता लग जाता है कि हमने कितना कंजम्पशन किया। उसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर की बात हो रही है। आप घरों में जैसा आपको तो मालूम है कि कई तरह की लाइन्स आती है, सिंगल फेज लाइन आ रही है, थ्री फेज लाइन आ रही है, तो अकॉर्डिंगली जो है डिफरेंट टाइप्स के मीटर्स होते हैं। तो जो भी मीटर लाइन में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं सिंगल फेज मीटर कहते हैं, ये पुराने समय से चला आ रहा है, और क्योंकि सिंगल फेज लाइन पहले बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही थी, और ये मीटर बहुत सिंपल है, कॉम्पैक्ट है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जनरली ये 240 वोल्ट एसी सप्लाई तक ये आराम से रीडिंग ले लेते हैं, जब करंट जो है 2.5 से 10 एम्पियर हो, इससे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अभी आपने देखा कि हम लोग घरों में चेंजेस आ रहे हैं, ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पावर लाइन काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थ्री फेज आजकल लोग कनेक्शन देते हैं, उस थ्री फेज कनेक्शन में को रीडिंग करने के लिए भी आज पॉलीफेज मीटर, थ्री फेज होल करंट मीटर आ गया है, जो कि सप्लाई में कनेक्ट हो जाता है। उससे पता लग जाता है कि 50 एम्पीयर तक अगर आपके ट्रांसमिशन हो रही है तो आप आराम से मेजर कर सकते हैं। तो 25 किलोवाट तक का ये लोड का आसानी से मेजर कर सकता है। तो थ्री फेज मीटर भी ज़्यादा आजकल यूज होने लगा है। उसी तरह एचटी मीटर होता है, जब हाई पावर लाइन आ रही है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, एनर्जीज हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जो कि हम आसानी से हम पावर लाइन में लगा के इसकी सहायता से हम आगे काम कर सकते हैं। उसी तरह आपने सुना हुआ प्रीपेड मीटर, ये बहुत ही अच्छा नया कॉन्सेप्ट आ गया है। आप पहले ही जैसे आप मोबाइल में प्रीपेड मोबाइल होता है, उसी तरह प्रीपेड मीटर आ गया है, जहाँ पे ज़्यादा लोग बिजली का वो रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे उनको लगा कि मुझे 2 घंटे के लिए बिजली चाहिए तो उतनी उन्होंने पावर ले ली और उसका एडवांस पेमेंट कर दिया, जिसकी सहायता से आपको ये पता लगेगा कि मेरे घर में मेरा बजट है 300 रुपये का, तो 300 रुपये की आपने बिजली का यूनिट क्रेडिट करा ली और आराम से जो है आप बिजली का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है, और इससे क्या हो रहा है कि बिजली की चोरी भी रुक रही है और पता लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि हम कितना कंजम्पशन हो रहा है और कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और कंज्यूमर को भी पता लग जाता है कि मेरा हमने इतनी देर बिजली यूज़ किया तो हमें इतना पे करना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और ये धीरे धीरे काफ़ी प्रमोट हो रहा है, जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, जहाँ पे लोग बिजली का पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। उसी तरह अब मीटर को कैसे इंस्टॉलेशन करना है इसके बारे में बताया गया है। जो भी मीटर डेवलप हो रहे हैं उसको एक पहले टेस्टिंग होती है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है और उसकी एक्यूरेसी मेजर करनी पड़ती है। जो भी उसमें कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है
तो जो भी लॉस हो रहा है जिस कंपनी को उसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जनरली जो भी हम स्टैचू है जो भी लगाते हैं मीटर लगाते हैं तो एक्यूरेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में डिफेक्ट आ जाता है, जब डिफेक्ट आ जाता है तो रीडिंग गड़बड़ हो जाती है, कंज्यूमर जो है कंप्लेन करता है कि हमारा मीटर खराब हो गया है। तो इसलिए जरूरी है कि इसका हमें अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसका प्रोसीजर के बारे में बताया गया है इस किताब में, कैसे आपको टेस्टिंग करनी है, कैसे रेगुलेट करनी है, और मीटर कहाँ लोकेट होना चाहिए, जिसमें कि सिंगल फेज कहाँ होना चाहिए और जो कंज्यूमर है वो भी इसको आसानी से रीडिंग पढ़ ले। और इसकी सहायता से ये हम कह सकते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है इसको समझाया गया है, और कंज्यूमर जो है उसमें वहाँ पे अर्थ लीकेज का प्रोविजन रखा है कि नहीं रखा, अगर लीकेज हो रहा है तो उसमें डिस्प्ले करने की सेफ्टी के लिए है कि नहीं, इस तरह से सभी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। और करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसके इसके मीटर के ही पार्ट है, इससे कि पता लग जाएगा अगर वोल्टेज जब ड्रॉप हो रहा है तो उसको आपको कैसे चेक करना है। इस तरह से सभी जो कंज्यूमर एनर्जी मीटर में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर है उसके बारे में चर्चा की गई है, इसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बात की गई है, इसकी सेफ्टी के बारे में बात की गई है, इसमें यूजर्स के बारे में बात की गई है। तो आप इसमें देखिए कैसे इसको इंस्टॉल करना है इसके बारे में बताया जाता है कि सिंगल फेज है या डबल टू थ्री फेज है। तो इस तरह की सहायता से, सर्किट की सहायता से बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है कि प्रैक्टिकल कराने से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कैसे हमें कनेक्ट करना है, कैसे हमको रीडिंग लेनी है। तो डिफरेंट एनर्जी मीटर्स को हम अच्छे ढंग से इसको जोड़ना सिखाते हैं, थ्री फेज है, फोर वायर एनर्जी मीटर है, कैसे जोड़ना है, लो टेंशन करंट ट्रांसफार्मर मीटर है, इस तरह से जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है इसके बारे में चर्चा की गई है इस किताब में। और आसानी से जो है बच्चे समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और इसके बाद ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं, इन पावर स्टेशंस में जाते हैं, वहाँ जाके सीखते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसी तरह थ्री फेज होल करंट मीटर है, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मीटर्स है, तो इस मीटर की सहायता से जो भी आपका पावर जनरेशन हो रहा है उसको हम चेक करते हैं। फिर जो मीटर के एक्सेस के लिए आजकल देखिए बहुत ही सिस्टम एक टैब का यूज कर रहे हैं या आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो आसानी से ये जो एक्सेस होना चाहिए, जो भी एक्सटीरियर आदमी आएगा, लाइन मैन आएगा, कंज्यूमर टेक्नीशियन है उसको, उसके लिए इजी एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मीटर घर के भीतर लगा दिया, बाहर से ताला लगा दिया तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको ओपन में रखाया जाता है और बाहर लगाया जाता है या इसमें सिक्योरिटी सिस्टम के पास रहता है। इस तरह से मीटर के बारे में एक्सेस कैसे करना है इसके बारे में से बताया गया है। उसी तरह कैलिब्रेशन करना है और आपको पीरियोडिकल टेस्टिंग करनी है। तो कंज्यूमर मीटर टेस्टिंग जो है साइट पे भी 5 साल में एक बार करनी चाहिए, इससे पता लग जाएगा कि आपको मीटर ठीक चल रहा है कि नहीं। उसी तरह जो हमने बताया आपको कि जी सर, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सत्र में हमारे पास केवल 2 मिनट का समय बाकी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि सर जल्दी जल्दी हम अपना कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने खत्म ही हो रहा है। तो हम जो नई टेक्नोलॉजी है प्रीपेड मीटर्स, टाइम के मीटर्स, ऑटोमेटिक रिमोट मीटर भी आ गया है, इसकी सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन सभी चीजों को करने के बाद आप जो है आप कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग करें, बाहर जाएं आप, और जो प्रैक्टिकल जितना ज्यादा बच्चे करेंगे तो और ज्यादा रीडिंग लेंगे, उसको पावर स्टेशंस पे या जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां पे जाके करेंगे तो उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और इसीलिए इस पाठ्यक्रम में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम 15 दिन बच्चे इसकी लाइन ट्रेनिंग का प्रयोग करें। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन पाठ्यक्रम है इसकी सहायता से आप
ज्यादा से ज्यादा बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी, स्किल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराएंगे। तो बच्चे जो है इस पाठ्यक्रम को करने के बाद एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एमपीए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाएंगे और वहाँ पे एज ए अप्रेंटिस कार्य कर सकते हैं। इस तरह से काफी एक इनके स्किल लेवल का एक्सपोजर होता है। तो ये हमें देखना है कि जो बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा सीखे, तो प्रैक्टिकल करना बहुत ही जरूरी है। जी सर, बिल्कुल सही आपने समझाया कि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। थियोरेटिकल नॉलेज तो हम अपनी टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से ले लेते हैं, पर जब हमें कोई भी चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करनी हो तो प्रैक्टिकली उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल भी थे हमारे पास, पर अब समय की कमी के कारण हम इन सवालों को अपने अगले सत्र में लेंगे। पर आपने बखूबी जानकारी दी हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, साथ ही अलग अलग जो टूल्स इस जॉब रोल से रिलेटेड हैं, जो एक्सेसरीज और इक्विपमेंट हैं उनके रखरखाव के बारे में, साथ ही सावधानी बरतना कितना ज़रूरी है उसके बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को अवगत कराया। धन्यवाद सर। जितने भी दर्शक जुड़े थे हमारे साथ इस खास सत्र में, जो कि वोकेशनाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन एक खास सीरीज है, ऑनलाइन सीरीज मीट द ऑथर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में वापस लौटेंगे एक अगले सत्र के साथ, पर अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।